आपने तो व्यूअर्स भी देखे रियत से होंगे, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो फेसबुक का अकाउंट बनाया था प्रोफेशनल तरीके से कि जिसके ऊपर हमने पेज बनाना है अपने जॉब से रिलेटेड जो यूट्यूब चैनल है, तो हमने अकाउंट क्रिएट किया था। सबसे पहले हमने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की, फिर उसके बाद हमने फेसबुक का अकाउंट बनाया प्रोफेशनल वे से, और आज हमने आपको इसकी कुछ सेटिंग्स बतानी है जो कि आप कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये आपका यहाँ पे लोगो आ जाएगा और इस तरह से यहाँ पे लोगो आ जाएगा अकाउंट का। ये कवर फोटो है, ये किस तरह से बनाते हैं, चेंज कैसे करते हैं इनको, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा ताकि आपका कोई स्टेप जो है वो रह ना जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ से इसका जो है वो लोगो चेंज करते हैं। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया जहाँ पे ये कैमरे का निशान आ रहा था, ये अपलोड फोटो और ये ऐड फ्रेम, यानी अगर आपने ऐड फ्रेम करना है तो यहाँ से हम ऐड फ्रेम में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं कि इसमें डिफरेंट तरह के आपको जो है वो फ्रेम्स नज़र आएंगे। जिस तरह से हम फोटो को फ्रेम करते हैं तो ये फ्रेम पहले लग जाएगा आपके इस आइकन के ऊपर और फिर उसके बाद जो है वो फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। तो ये डिफरेंट तरह के फ्रेम है, ये क्लाइमेट स्टीवर्ड है, ये गेट आउटसाइड है। अगर आपने जो है वो यहाँ से सर्च करना है, हम सर्च करते हैं कि जॉब से रिलेटेड कोई जो है वो फ्रेम इसके पास है या नहीं, तो उसने कहा जी नो रिजल्ट फाउंड। इसका मतलब है कि हमें उसी में से जो इसके पास अवेलेबल हैं उन्हीं में से किसी ना किसी को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी उस सूरत में अगर आपने लगाना है। अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बेशक ना करें। हाँ जी, यहाँ से हम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमें साथ साथ ये प्रीव्यू भी दिखाएगा। ये मैंने अभी जो इसका बनाया था लोगो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये आपको यहाँ पे अभी वो इसको सेट करके और ये प्रीव्यू में आपको दिखाएगा कि किस तरह से ये नज़र आता है। ये देखें, ये फ्रेम लग गया और ये जो है आपका लोगो लग गया और उसके बाद इसको आपने कर देना यूज्ड एज प्रोफाइल पिक्चर, राइट, सेलेक्ट कर दिया और ये फेसबुक ने जो है वो हमारा लोगो यहाँ पे सेट कर दिया। तो व्यूअर्स जी, हमने इसका आइकन चेंज कर लिया, अब हम इसका चेंज करेंगे कवर फोटो। ये कवर फोटो कैसे बनाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये मैंने अपने पिछली वीडियो में जो है वो सिखाया था, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ और आई बटन में भी दे देती हूँ कि ये कवर फ़ोटो आपने बनाना कैसे है, क्योंकि यहाँ एक साइज़ है, इस साइज़ के हिसाब से आपने बनाना होता है। तो हम आपको एक ऐसी ऐप में मैंने आपको बनाना सिखाया है लास्ट वीडियो में, जिसमें आपको साइज़ वगैरह का ध्यान नहीं रखना पड़ता, डिफरेंट तरह की टेम्पलेट्स दी होती हैं फेसबुक के पेज के मुताबिक, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो है वो आपने उठा के टेम्पलेट और वहीं पर रेडीमेड टेम्पलेट में अपने मुताबिक जो है वो चेंजेस कर लेनी है। तो वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे बनाना है, तो वही बनाया था जो हमने लास्ट वीडियो में, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे ऐड कवर फ़ोटो के अंदर, यहाँ दो ऑप्शन हैं, सिलेक्ट फ़ोटो और अपलोड फ़ोटो। सिलेक्ट फ़ोटो जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने सिलेक्शन की होती है, जैसे हमने ये आइकन यहाँ पर लगाया था, तो यहाँ पर ये वही ऑप्शन दे रहे हैं कि इनमें से अगर आपने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है ये कर लें, अदरवाइज जो है फोटो एल्बम्स में से कर लें, यहाँ पे भी वही चीज़ें होती हैं जो रिसेंट आपने अपने इस पेज पे यूज़ की होती हैं, ठीक है। और अगर आपने वेरी फर्स्ट टाइम लगाना है तो आपने यहाँ से अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्राउज़र जो है वो ओपन कर देगा, ब्राउज़ विंडो। अगर ये डाउनलोड कर लिया था हमने, ये डाउनलोड में पड़ा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक, तो ये कवर फ़ोटो को जो है वो आपके फेसबुक के पेज के ऊपर सेट कर देगा, जितना एरिया जितनी स्पेस जो है उसने दी हुई है फेसबुक के पेज के ऊपर। थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ये जो है वो उसने अटैच कर दिया, ये देखिए जितनी स्पेस थी उस पर पूरा जो है वो आ गया यहाँ पे। ये मैंने इसलिए इसको पहले यहाँ पे जब डिज़ाइन किया था तो नीचे था, ये मैंने इसको ऊपर उठा के रख लिया ताकि जैसे ही पेज ओपन हो तो बजाय यूज़र को जो है इसको ड्रैग करने के, ये उसको पहले पहली नज़र में ये सारी इंफॉर्मेशन तो ये हमारा जो है वो कवर फोटो ऐड हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे सेव चेंजेस पे जो है क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो है वो कवर फोटो भी इसके ऊपर अटैच हो गया और हमारा जो है ये लोगो भी लग गया जॉब एडमिशन का। और उसके बाद यहाँ पे आ जाए लेफ्ट साइड पे तो ये इंट्रो है, ऐड बायो,
एडिट डिटेल्स एंड हॉबीज, ये वाली जो ऑप्शंस हैं इनको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐड बायो में क्या चीज़ लिखते हैं, एडिट डिटेल्स में क्या चीज़ लिखते हैं, और ये हमारा जो है वो पेज आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहा है डे बाई डे, तो इस पर भी हम जो है वो जॉब एंड एडमिशन की जो वीडियोज़ हैं वो भी इसके ऊपर लगाया करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो तक